नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और एमबी स्पीक्स पे आपका बहुत स्वागत है। जब से मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, यूं कहिए कि मुझे थोड़ी अक्ल आई, तब से मैं यही सुनती आ रही हूं कि बच्चा एक शादीशुदा महिला ही पैदा कर सकती है। कुंवारी लड़की जब माँ बनती है तो उस पर कई सवाल आ जाते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ। यही वजह है कि आज एक अनमैरिड लड़की दिल्ली हाई कोर्ट में पहुँचती है, एक याचिका दाखिल करती है, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को नामंजूर कर दिया। आप ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। अब मेरी गुजारिश भी आपसे कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लड़की दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है, ये 25 साल की लड़की है, और इसने अपनी एप्लीकेशन में, अपनी याचिका में अपना जो गर्भ है वो गिराने की अनुमति मांगने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया कि आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते की हो चुकी है, लिहाजा आपको ये अनुमति नहीं दी जा सकती। महिला इस महीने की 18 तारीख को प्रेगनेंसी के पूरे 24 हफ्ते पूरे कर लेगी, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच ने ये फैसला किया कि आप बच्चे को क्यों मार रहे हैं। गोद लेने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई हैं, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों आप ऐसा पाप कर रहे हैं। जस्टिस सतीश चंद शर्मा ने कहा कि कोर्ट ये तय करेगी कि महिला की डिलीवरी कैसे करानी है, किस हॉस्पिटल में करानी है और किस तरीके से करवानी है। ये शायद अपने आप में एक पहला केस है। महिला ने दरअसल ये कहते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि वो सहमति से प्रेग्नेंट हुई थी, यानी कि उसकी किसी के साथ रिलेशनशिप थी, लेकिन पार्टनर ने शादी से इनकार कर दिया। चूँकि अब वो अविवाहित है, इसलिए वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। तो महिला के वकील ने कोर्ट में ये दलील भी दी कि अविवाहित होने की वजह से महिला बच्चे को पालने के लिए और शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार नहीं है। ये उसने लॉजिक दी है कि ना तो वो फिजिकली फिट है, ना वो मेंटली प्रिपेयर है, ना उसके पास पैसे हैं। ये उसके वकील ने कोर्ट को बताया। शादी के बिना बच्चे को जन्म देना वाकई में ही बहुत दुश्वारियों भरा होता है, शरीर से ज़्यादा मन को दर्द होता है। तो वकील ने ये तर्क दिया कि ये महिला के लिए उनकी जो लड़की की जो वकील थी उसने कहा कि ये एक सामाजिक कलंक होगा और बच्चा भी नाजायज़ कहलाया जाएगा। अपने तरीके से उसने अपनी बातें रखी ताकि उस बच्चे को गिराया जा सके, अबॉर्ट कराया जा सके। इस पे चीफ जस्टिस ने बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। महिला ने 24 हफ्ते तक इसे गर्भ में रखा है, तो 4 हफ्ते और रख सकती है वो। अदालत ने कहा कि हम महिला को बच्चा पालने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, वो केवल बच्चे को जन्म दे, और ये अदालत डिसाइड करेगी कि उस बच्चे की डिलीवरी कहाँ होनी है। उसकी लोकेशन भी किसी को पता नहीं चलेगी, बस वो बच्चे को जन्म दे, डिलीवरी करके आए और वापस आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसका खर्च सरकार देगी, अगर सरकार भुगतान नहीं भी करती है तो उस वकील ने कहा, उस जज ने कहा कि उसका भुगतान करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये बात मुझे बहुत, मेरे मन को छू गई कि अगर सरकार नहीं भी ऐसे खर्चे को वहन करती तो जो जस्टिस हैं
उन्होंने खुद इस का भुगतान करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 का हवाला दिया और कहा कि सहमति से गर्भवती होने वाली अविवाहित महिला का केस इस नियम के तहत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे देश का कानून है वो क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे ये चर्चा हुई थी कि अमेरिका में किस तरीके से बच्चे को अबॉर्ट कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। काफ़ी इस पे बहस अभी भी वहाँ चल रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत में अबॉर्शन को लेकर के क्या नियम है। देखिए, आप बच्चा अबॉर्ट करा सकते हैं अगर आप उसको पाल नहीं सकते हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए लॉजिक होने चाहिए। 12 हफ्ते तक डॉक्टर की सलाह से आप अबॉर्ट कर सकते हैं, 12 से 20 हफ्ते तक भी डॉक्टर की सलाह से आप बच्चे को अबॉर्ट करा सकते हैं, और 20 से 24 हफ्ते तक कुछ खास कैटेगरी में, मतलब बहुत ही स्पेशल केस में डॉक्टर की सलाह से अबॉर्ट किया जा सकता है, और 24 हफ्ते से ज़्यादा का जब भ्रूण हो जाता है और अगर उसमें मेडिकली उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें अगर कोई विकृति है तो उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। और गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा करना अगर ज़रूरी हो, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अबॉर्ट कराया जा सकता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई कानून नहीं है कि बच्चे को गर्भ में जो है अबॉर्ट कराया जाए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जानकारी थी जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज संडे का दिन है, उम्मीद करती हूं कि आप इसे वीडियो को देखेंगे और आपको पसंद भी आएगी। अगर आपको पसंद आए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और अक्सर महिलाएं इस बात को लेकर के किसी से बात नहीं करती है, और या तो वो खुद कुछ ऐसा कर लेती है जिससे उनके शरीर को नुकसान होता है, या तो फिर और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस फिजिकली हो जाती है। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और नई कहानी के साथ, किसी और नई खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आज इतवार है, इतवार को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।